हाय, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं बहुत टाइम लगा दिया ये वीडियो बनाने के लिए। हाँ, मैंने असमीज में वीडियो अपलोड किया था कि मैंने क्यों हेयर कट करवाया और द स्टोरी ऑफ माय हेयर कट। आप लोग डीएम कर रहे थे मुझे, कमेंट में पूछ रहे थे कि एक इंग्लिश में या हिंदी में वीडियो बनाने के लिए, बट आई हैव टेकन सो लॉन्ग टू मेक दिस वीडियो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन। तो व्हाई डिड आई गो फॉर दिस ड्रास्टिक चेंज इन माई लुक? देर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न एज सच कि मैं इसी कारण से मैंने चेंज किया अपना लुक को। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैं बॉब लुक में थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। तो उसके बाद मेरा बेटा प्री मेच्योरली बॉर्न है, तो आई जस्ट डिडंट गेट टाइम आफ्टर माई डिलीवरी टू गो टू सैलून, और जस्ट आई कुडंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो पूरा ध्यान मुझे मेरे बच्चे पे देना था, तो इसी कारण से मैंने ऑलमोस्ट फॉर एन ईयर और सो मैंने सैलून में जाके हेयर कट नहीं करवाया। बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि एवरी 3 मंथ्स मैं हेयर कट कराती हूँ, इधर मेरे हस्बैंड से और इफ़ आई एम एट माई मॉम्स प्लेस मेरे मदर कट करके देती है। आई एम वेरी स्पेसिफिक कि कौन मेरा हेयर कट करता है, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, किसी का हाथ इतना अच्छा नहीं होता है जब हेयर फॉल का इशू होता है, ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है एंड ऑल दैट। एंड आई बिलीव दैट कि कुछ हाथ अच्छे नहीं होते, तो इसीलिए स्पेसिफिक पर्सन के पास ही जाती हूँ मैं जब भी मतलब ट्रांसफ़र होता है और सो। अब बहुत दिक्कत होता है मुझे इसी कारण से, तो इसीलिए इट्स वेरी इजी टू मेंटेन लॉन्ग हेयर। जस्ट यू नो एन इंच और सो काट दो और अच्छे से ग्रोथ होता रहेगा और वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, इट्स ओके। बट जब भी शॉर्ट वाला लुक आ जाता है तो वेल मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने इट्स बीन 4 मंथ्स और सो आई हैवन्ट गॉन फॉर अ हेयर कट येट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन इंस्टाग्राम स्टोरी कि मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे भगा दिया कि ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे लंबा हो गया, तो थोड़ा वेट कर लो। तो इसके लिए थोड़ा वेट कर रही हूँ ताकि अच्छा लुक आए। तो लेट्स सी। तो रीज़न यही बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एन ईयर और सो एक ही हेयर स्टाइल में थी मैं। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा काट रही थी, लंबा ऑलमोस्ट इतना तक था मेरा हेयर। तो उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड बोल ही रहे थे कि तुम जाओ एक लुक चेंज करके आओ, यू विल फील डिफरेंट, यू विल फील गुड। ऑफकोर्स आई वॉज फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ बिकॉज बींग अ मदर आई वॉज हैविंग फन। फिर भी एक वो रहता है ना, तो इसके लिए हस्बैंड बोल ही रहे थे मैं ही मतलब इसको छोड़ के बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा पा रही थी। तो एक दिन डिसाइड कर लिया मॉर्निंग उठ के कि चलो लेट्स गो फॉर अ कंप्लीट चेंज इन द लुक। तो डिसाइड कर रहे थे कि क्या लुक अच्छा आएगा, तो मैंने ये कभी नहीं किया था, इतना शॉर्ट वाला हेयर ट्राई कभी नहीं किया था लाइफ में। तो आई जस्ट थॉट ओके लेट मी जस्ट गो फॉर इट एंड हस्बैंड लाइक्ड इट। तो आई जस्ट वेंट एंड आस्क्ड माय हेयर स्टाइलिस्ट टू गो फॉर इट, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर हर ऑल्सो। 2-3 बार पूछा था उन्होंने कि शैल आई रियली गो फॉर इट और जस्ट आई जस्ट गो फॉर अ बॉब, यू नो ऐसा करके। आई सेड नो, जस्ट गो फॉर इट। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को भी या इन लॉज को भी कंसल्ट नहीं किया था इसके पहले, बिकॉज आई न्यू द आंसर कि क्या होगा। तो इसीलिए मैं एकदम मतलब किसी को नहीं पूछा एक्सेप्ट हस्बैंड। तो उसके बाद हेयर कट करा लिया, उसके बाद हस्बैंड और बच्चा बाहर ही थे, गाड़ी में वेट कर रहे थे मेरा। तो आने के बाद तुरंत माय हस्बैंड वाज सो हैप्पी टू सी मी इन दिस लुक। इट वाज लाइक यू लुक लाइक अ किड, यू लुक लाइक अ किड, ही स्टार्टेड शाउटिंग एक्चुअली। यस, आई वाज लुकिंग सो यंग। तो इट वाज अ वेरी एम्पावरिंग एक्सपीरियंस, मैंने बहुत अच्छा लगा था। एंड ऑफकोर्स बुरा लगा था जब मेरा बाल पूरा फ्लोर में पड़ा था। आई रियली मिस्ड दैट कि मैं दिमाग में आया ही नहीं मुझे वीडियो बनाना है उसका, तो आई जस्ट रियली मिस्ड इट। आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में। तो That was it. मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉस बोथ डिडंट लाइक इट एकदम। अभी भी मतलब
मेरे मॉम तो एकदम शी डिनाइड टू इनिशियली तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल तक नहीं किया, मैं देख नहीं सकती तुमको ऐसे करके, बहुत गुस्से में थे इवन विद माय हस्बैंड इवन विद मी, तो बात नहीं किया अच्छे से। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब सब ठीक हो गया। और रही बात इन लॉज का, तो शायद सब कुछ सेट होके था, तो मदर इन लॉ डिडंट से अ वर्ड टू मी व्हेन आई वेंट देयर फॉर दुर्गा पूजा है मी, तो शी डिडंट से अ वर्ड टू मी। मे बी सब कुछ हस्बैंड ने मैनेज करके रखा था, पता नहीं, बट दैट वाज इट। तो अभी लंबा हो गया है मेरा बाल, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस पोर्शन टू ग्रो अ लिटिल मोर सो दैट आई कैन गो फॉर अ न्यू लुक। एंड यस आई एम गोना, एक फैमिली फंक्शन है अभी नेक्स्ट कमिंग अप इन मे और जून, सो इसके लिए थोड़ा लंबा मुझे रखना ही पड़ेगा। सो आई जस्ट ग्रो माई हेयर नाउ, सो लेट्स सी हाउ इट ग्रोज एंड हाउ आई एम गोना कट माई हेयर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।